मन्नातु पद्मनाभन रिसेंटली ये न्यूज़ में थे, तो इस लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पेड ट्राइब्यूट्स टू मन्नातु पद्मनाभन, मतलब इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, पुण्यतिथि थी, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी 25 फरवरी को। तो 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ने ट्राइब्यूट दी इनको, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित की, इसलिए ये न्यूज़ में थे। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इनका बर्थ होता है, जन्म होता है कब? 2 फरवरी 1878 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? केरल की डिस्ट्रिक्ट है कोट्टयम। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है पेरुन्ना, पेरुन्ना जगह पे इनका जन्म होता है। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे और फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने क्या है, केरल के साउथ वेस्टर्न स्टेट्स रीजन से ही आते हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो सरदार के एम पानीकर थे, उन्होंने इनको एक टाइटल दिया, मदन मोहन मालवे ऑफ केरला। मतलब जो पद्मनाभन थे, उनको के एम पानीकर ने बोला कि ये केरल के मदन मोहन मालवे जी हैं। तो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था जी एक टीचर की तरह। 1893 में ये टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, और 1905 में इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया और इन्होंने लॉ को प्रैक्टिसिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये वकील बन गए इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में वकील बन गए। अब इनके पॉलिटिकल और सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने वाइकोम जो सत्याग्रह था उसमें पार्टिसिपेट किया। 1924 में स्टार्ट हुआ था वाइकोम सत्याग्रह, और गुरुवायूर 1931 में, ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था जी, ये भी एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन था ये, और जो वाइकोम था ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट, और ये दोनों ही एक्चुअली दोनों ही थे टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो इन दोनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। वाइकोम सत्याग्रह जी एक मूवमेंट था केरल में त्रावण कोर डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या था कि डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, जो नीची जाति के लोग, उनको क्या है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी। तो उसके अगेंस्ट ये वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। तो इस सत्याग्रह में जो वाइकोम जगह है कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में है जी, ये भी केरल की, वहाँ पे एक शिव टेम्पल है। तो वहाँ पे ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1924 to 1925 ये सत्याग्रह चला था। तो इस सत्याग्रह में क्या है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे त्रावण कोर के, उस टाइम पे ये उसका पार्ट था, त्रावण कोर का जो वाइकोम जगह है वहाँ पे। और ये गुरुवायूर जो सत्याग्रह है, ये क्या था जी, ये सत्याग्रह था यानी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ये याद रखना आपको। जो गुरुवायूर है वो अहिंसा एक विद्रोह था, अहिंसात्मक विद्रोह यानी कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, जो टू अलाउ एंट्री फॉर अनटचेबल्स, जो छुआछूत करते थे जी जिन लोगों के साथ, उनको क्या है मंदिर में घुसने के लिए अलाउ किया जाए, इसके लिए था जी ये। तो ये भी एक तरह से टेंपल एंट्री मूवमेंट था कि जो लोग हैं नीची जाति के लोग, डिप्रेस्ड क्लास, उनको टेंपल में जाने की परमिशन हो। और ये चलाया गया था थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी केरल में है जी। ये जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है जी, उसी का पार्ट हुआ करता था पहले, जो पोन्नानी तालुक है मालाबार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था पहले, ये आपको जानना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये जान लो केरल में थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में जी फिलहाल की डेट में ये जगह। इनको क्या है, रिफॉर्मर, एज ए रिफॉर्मर रिगार्डेड किया जाता था, और मॉरल गाइड फॉर द मेम्बर ऑफ नायर कम्युनिटी। जो नायर कम्युनिटी जी एक जाति के लोग हैं, नायर जाति के लोग केरल में, उनका क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स माना जाता था इन्हें। और ये जो नायर कम्युनिटी, उनको इंस्पायर्ड करते थे, मतलब उन्हें प्रेरित करते थे, ताकि जो ये बैड प्रैक्टिसेस हैं और ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स हैं, रीति रिवाज निभाते हो आप, जो कठोर रीति रिवाज हैं, ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स हैं, उनको छोड़ो, इन प्रैक्टिस को एंड करो। तो ये प्रेरित करते थे नायर कम्युनिटी के लोगों को। तो इन्होंने क्या है, नायर कम्युनिटी को नेतृत्व किया, यानी कि लेड किया, टू डिमांड टेम्परल एंट्री फॉर ऑल कास्ट एंड टू पुट एंड टू अनटचेबिलिटी। मतलब इन्होंने क्या कहा कि सारे जाति के लोगों को मंदिरों में घुसने की आज़ादी हो, और अनटचेबिलिटी को एंड किया, अंत किया इसका, छुआछूत की, जो क्या था, छुआछूत करते थे एक लोगों के बीच में, एक दूसरे लोगों से घृणा करते थे नीचे जाति के लोगों को, तो इसको मतलब अंत तक लाने में इनका, इन्होंने बहुत योगदान दिया अपना। 1914 में, 1914 में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था नायर सर्विस सोसाइटी। जो नायर कम्युनिटी के लोग थे उन्हीं की क्या है, सर्विस करने के लिए, सेवा करने के लिए इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, और ताकि मधुर संबंध, हारमनी, क्या है कि हारमनी को प्रमोट किया जा सके लोगों के बीच में, मधुर संबंध बनाया जा सके एक दूसरे लोगों के बीच में। तो इस तरह से क्या है, ये 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने, 1946 में। और इन्होंने क्या है, जो सी पी रामास्वामी अय्यर थे त्रावण कोर में, उस टाइम पे क्या थे, ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो
तो इनके अगेंस्ट क्या है, प्रोटेस्ट हुआ था, एजिटेशन हुआ था उनके अगेंस्ट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया पद्मनाभन ने, और ही वॉज अरेस्टेड फॉर द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वो जब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्या मूवमेंट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनमें भाग लिया था, तो इन्हें अरेस्ट भी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 14 जून 1947 को। और 1949 को जो पद्मनाभन थे वो मेंबर बन गए किसके, त्रावणकोर लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब आज़ादी के बाद ये MLA बन गए जी, MLA, क्यों, जब त्रावणकोर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी जी उसमें MLA चुन के आए ये। और 1964 में क्या था, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था केरल कांग्रेस, और ये फर्स्ट रीजनल पार्टी थी जी इंडिया की, जैसे स्टेट लेवल पार्टी होती है ना और नेशनल लेवल पार्टी होती है, तो स्टेट लेवल जो पार्टी होती है फर्स्ट ये स्टेट लेवल पार्टी थी, रीजनल पार्टी केरल कांग्रेस, ये आपको याद रखना। 1964 में इन्होंने फॉर्मेशन की इसकी। अब इन्हें अवार्ड देख लेते हैं जी, कौन से अवार्ड और पुरस्कार इन्हें दिए गए। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया जी 1966 में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे जी, जो राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने भारत केसरी का इन्हें टाइटल दिया, भारत केसरी भी कहा जाता है इन्हें, तो ये याद रखना आपको, मन्नाथू पद्मनाभन को भारत केसरी बोला जाता है। इनकी डेथ हो गई जी 25 फरवरी 1970 को, जब इनकी आयु थी 92, मतलब 92 साल की उम्र में ये अपने प्राण त्याग देते हैं। अब इनके नाम पे एक मेमोरियल भी बनाया जी, समाधि कहाँ पे ये बना जी, ये चंगना चेरी, ये एक जगह है जी केरल के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में, तो इसे मन्नम मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, मन्नम मेमोरियल। तो ये समाधि है, ये पद्मनाभन की समाधि है जी, ये याद रखना आपको, और ये वहीं पे लोकेटेड है जहाँ पे जो नायर सोसाइटी थी, यानी नायर सर्विस सोसाइटी जो इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, वहाँ पे जिनका हेडक्वार्टर है NSS का, नायर सर्विस सोसाइटी का, वहीं पे इनकी समाधि बनी हुई है, मन्नम मेमोरियल भी बोला जाता है जिसे। तो इनके बारे में इतना ही था, इस लेक्चर में भी सिर्फ इतना ही था, तो हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।